अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, और एटलीस्ट आई होप सो। एनी वे, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई लास्ट पोस्टेड, तो इसलिए आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपी लाई हूँ। बिफोर वी स्टार्ट, आई'd लाइक टू टेल यू, मैं इस चैनल का नाम चेंज कर रही हूँ। इस चैनल का नाम तस्नीम्स आइडियाज़ है। मोस्ट ऑफ़ यू ऑलरेडी नो मैं उनकी बेटी हूँ, तो आई डिसाइडेड ऑन बिनते तस्नीम्स आइडियाज़, पर वो बहुत लंबा हो जाता है, तो लेट्स स्टिक विद बिनते। तो अब इस चैनल का नाम बिनते है और इसकी प्रोफाइल पिक ये है, जस्ट वॉन्टेड टू शो यू। अच्छा जी, आइए चलें आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम, आई मीन मैं और आप, आई बिलीव, चिकन डोनट्स बनाएंगे यूजिंग ब्रेड। तो सबसे पहले हमें चाहिए 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल, उसके अंदर 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन डालें और उसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएं। अब इसके अंदर 200 ग्राम्स बोनलेस चिकन डलेगा, इसको तब तक पकाएं जब तक ये वाइट नहीं हो जाता। जब चिकन वाइट हो जाए तो इसको ढक के 8 से 10 मिनट के लिए पकाएं हल्की आग पे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटी प्याज और शिमला मिर्च, अगर कप में मेजर करें तो 1/3 कप दोनों, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून काली मिर्च। इस सब को मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून केचप और 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस डाल दें, मिक्स कर लें और हमारा चिकन तैयार है। इसको ठंडा होने के लिए रख दें। अब एक प्लेट में पानी लें, ब्रेड को उसके अंदर डिप करें और उसका पानी स्क्वीज आउट कर लें। बहुत ज़्यादा डिप नहीं करना कि ब्रेड घुल ही जाए। ब्रेड्स की साइड्स काट लें, मैंने पहले ही काटी हुई हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे चीज़ जो कि ऑप्शनल है, और चिकन। अब इसको इस तरीके से बंद करें और एक बॉल की शेप में बना लें। नीचे से ठीक से सील करें, नहीं तो फ्राई करते हुए ये खुल जाएंगे। अगर बॉल्स ठीक से बंद नहीं हो रही तो आप हल्का सा उसे पानी में डिप करें और ब्रेड को ठीक से बंद कर दें। गोल डोनट्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं आपको एक और तरीका सिखाती हूँ। फिर से ब्रेड को डिप करें, उसका पानी निकालें, उसके अंदर चीज़ और चिकन डालें और उसको इस तरीके से फोल्ड कर दें। ये भी बहुत प्यारी शेप बनती है। ठीक से टाइट बंद करनी है और इस बात का ध्यान रखें कि आपकी ब्रेड बहुत ज़्यादा गीली ना हो, क्योंकि नहीं तो वो टूटने लग जाएगी। इस तरीके से आप स्क्वायर शेप डोनट्स भी बना सकते हैं। अब आप एक कढ़ाई में तेल गरम करें और इसको फ्राई कर दें। इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ब्रेड क्रम्स यूज़ नहीं होते, तो तेल गंदा नहीं होता और मेरी मामा खुश रहती हैं। जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो निकाल लें और सर्व कर दें। इस रेसिपी से टोटल 8 से 9 डोनट्स बनते हैं। पूरे किचन में बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी, बहुत मज़े के बनते हैं। मैं अभी आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ कि कैसे लगते हैं। इस डोनट में चिकन वाली साइड तो नज़र आ ही नहीं रही, तो एक और डोनट देख लें। बहुत मज़े के बने थे, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। टूट भी जाओ।